नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हनुमान चालीसा का अर्थ फॉर विद्यार्थी या एक साधक, एक लर्नर के लिए है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, प्लीज़ प्रेस दिस एंड मेक इट ऑल। तो अब जब भी मैं वीडियो डालूंगा, आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा YouTube की ओर से और आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज यहां पर कमेंट करना ना भूलें। ये कमेंट करना ही ये दर्शाएगा कि आपने ये वीडियो देख लिया है। ये एक तरह से आपकी अटेंडेंस है। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड डू कमेंट। थैंक यू। फिर बोलते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, मतलब आपने प्रभु श्री राम से मिलवा करके सुग्रीव जी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, तभी तो वो राजा बन पाए, है ना। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा गुण है। आप एक स्टूडेंट हो और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त हैं आपके साथ, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कैसा रोल प्ले करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण। आप अपने आप को अगर मेजर करना चाहते हो, अपने आप को नापना चाहते हो, तो आप ये करके देखना, जब लोग आपसे मिलने आते हैं, वो कैसे आते हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो जाते हैं आपसे मिल करके, तब देखना वो लोग खाली हो जाते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं, या आप उनको और दुखी करके भेजते हो ना। ये आपकी पहचान है, इससे पता चलता है कि आप कैसे हैं। तो आप अपने आप को मेजर कर सकते हो इस तरह से। तो आप देखो, सुग्रीव जी के लिए वो एक काउंसलर का रोल प्ले करते हैं, एक मित्र का रोल प्ले करते हैं, उनको बताते हैं भाई देखो तुम ये करोगे तो संभव है तुम राजा बन जाओ, है ना। अरे, तो जो असंभव को संभव करने का काम किया वो हनुमान जी ने किया। कैसे किया? राम से मिलवा करके। तो आप इस लाइन में क्या सीख सकते हो? कुछ भी असंभव नहीं है ना? आप देखो, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड को लिख करके देखो अलग अलग, आई एम पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। यू पुट द एफर्ट, आप अपना 100% देकर तो देखो, देखो सब कुछ संभव हो सकता है। फिर बोलते हैं कि तुमरो मंत्र विभीषण माना। अच्छा, आपके सुझाव का विभीषण जी ने पालन किया। ऐसा नहीं ना, किसी से अच्छी सलाह मिलती है, आप अच्छे सलाहकार बने, पहला वाला लाइन। दूसरी वाली लाइन में हमें क्या सीख मिल रही है कि अगर कहीं से अच्छी सलाह मिलती है तो उसका पालन करना चाहिए। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है, तो आपको उसको पालन करना चाहिए। बट हम कई बार प्रमाद में आ जाते हैं, हम जानते हैं ये काम सही है फिर भी नहीं करते। जैसे कोई आपको कहे कि सुबह उठना चाहिए जल्दी, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा योग प्राणायाम ध्यान करना चाहिए, मालूम है हमें, हमें पता है ये करना चाहिए, अच्छा है, बट नहीं करते। तो ये नहीं, मंत्र यही है ना, इसी को मंत्र बोलते हैं, जो आपके मन पर प्रभाव डालते हैं। आपका मन है नहीं उठने का, नहीं करने का, लेकिन किसी ने आपको सलाह दी, आप उठने लग गए, आपके लिए मंत्र का काम कर रहा है। तो आप देखो, उन्होंने विभीषण ने सलाह मानी हनुमान जी की, तो लंकेश्वर हो गए, सब लोग जानते हैं इस बात को। फिर ये जो अगली वाली लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। ये कहते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है, जो सूर्य कितने सहस्त्र योजन दूरी पर स्थित है, उस पर पहुंचने के लिए युगो लग जाते हैं, उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझ करके निगल दिया। मतलब आपने बचपन में जो कार्य किया उसकी भी हम प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको पुरानी बातें को भी आपको याद ला करके हम तारीफ करते हैं। यहां आप एक बात सीखना, अक्सर आपने देखा होगा
खास करके जब पेरेंट्स गुस्सा करते हैं उन पर। तो आज हमने कुछ गलती करी तो वो आज के लिए बोलते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, और उस दिन भी तुमने ऐसे किया, उसके पहले भी तुमने उस दिन किया। हालांकि उस दिन जब हमने गलती करी थी उसके लिए उस दिन वो डांट चुके हैं, लेकिन आज जब हम ये काम कर रहे हैं तो वो पुरानी गलती फिर से यहाँ पर वो हमें याद दिला रहे हैं, है ना। तो ये आपको कैसा लगता है ऐसे करते तो? अच्छा नहीं लगता ना? ये आपको नहीं करना चाहिए। जो भी पास्ट में हुआ है और कुछ गड़बड़ है, कुछ खराब है, अच्छा नहीं हुआ है, तो भूल जाओ उसको। अच्छी चीजों को याद रखो ना। बचपन में आपने इतना महान कार्य किया था, सूर्य को भी आप मुंह में निगल गए थे, मुंह में रख लिया था, तो आप तो इतने प्रतापी। तो उस अच्छी बात को याद करो, उसके पहले क्या हुआ, आपने क्या क्या गड़बड़ियां करी, ये सब नहीं। इसका एक और पर्सपेक्टिव है इस लाइन को देखने का, युग सहस्त्र जोजन पर भानु। इसको कैसे उस समय में तुलसीदास जी ने जो लिखा है, इसमें दरअसल सूर्य से धरती की दूरी लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है हम उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो बस इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, और इसमें कमेंट में आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें है, आप मुझसे जब भी चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके हमेशा मैं पास में हूँ। थैंक यू।